देखिए, जिस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुख्य विपक्षी पार्टी जो प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी है हिंदुस्तान की, और उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, युवा कांग्रेस द्वारा ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। जिस प्रकार लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है, उस संदर्भ में आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। हमारा सवाल ये है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 75 साल इस लोकतंत्र को मजबूत रखा, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को मजबूत बनाया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र के माध्यम से आज आम परिवारों के लोग चुनकर आते हैं, उसको जिस प्रकार से कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, उस संदर्भ में ये मशाल जुलूस युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो युवा कांग्रेस है वो यहाँ आए हैं, उनके नेतृत्व में लड़ाया जा रहा है और हम उसमें पार्टिसिपेंट हैं। कांग्रेस के द्वारा पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो मशाल जुलूस इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए, किस तरीके से जो बीजेपी सरकार ने राहुल जी का जो सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई किया करके उन लोग ने हर जगह बता रहे, अब राहुल जी का सदस्यत्व डिस्क्वालीफाई नहीं किया, इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई किया, ये बात कांग्रेस का नहीं है, दुनिया का अखबार, दुनिया का लीडर रोज बोल रहे हैं। तो यह सरकार ने किस तरीके से एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक अडानी को बचाने के लिए किस तरीके का तानाशाही सरकार जो लो इन लोग ने जो डिसीजन किया है, जो राहुल जी ने जो बात जो संसद में जो सवाल पूछा फ़रवरी 7 तारीख को, भाई साहब कितने बार उनके हवाई जहाज में गया है, कितने उनके कंट्री को लेके गया, कितना लाभ पहुंचाया है, जो पैसे उसमें SBI का पैसा है, जो डूब गया है LIC का पैसा है, प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो राहुल जी का जो अगला सवाल था, जो 20,000 करोड़ शेल कंपनी में है, वो अडानी का पैसा नहीं है, वो पैसे कहां से आया, वो सवाल पूछने के पहले किस लेवल पे इन लोग ने उतरा है, जो स्टे हुआ था उस स्टे को वेकेंट कराता है सवाल के बाद, एक शॉर्ट नोटिस में उनको डेट मिल जाता है, जजमेंट हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, जो डिस्क्वालीफाई हुआ है उसको लेके मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, इतना डर क्यों है? महात्मा गांधी जी के समय पे सारे BJP हिंदू महासभा डरते थे, अभी राहुल जी के नाम पे सारे खाप रहे, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, क्यों? उनके पास जवाब नहीं है। पार्लियामेंट सत्ता होने के बाद पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, क्यों? पार्लियामेंट में जो संसद लोग का जो सवाल है वो सवाल को जवाब नहीं दे पाया। JPC कमेटी बिठाने के लिए लगभग 1 महीने हो रहा है, तब तक तैयार नहीं है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं, ये सरकार इसमें पूरा शामिल है अडानी को बचाने के लिए, जो हमेशा जो चोर चपाटे कितने भी है इस देश में, जो करप्ट लोग है उनके वॉशिंग मशीन में डाल के, उनका वॉशिंग मशीन जो पाउडर है वो डाल के सफेद करके उनको क्लीन करने में चाह रहे हैं, जो इसके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं है। जो इस देश का पैसा लूटा है, जो गरीब का पैसा लूटा है, वो बताना पड़ेगा। इन लोग ने देश को गुमराने के लिए रोज एक बयानबाजी कर रहा है, जो इस देश का हिंदू कतरे में बोलता है, इस देश का हिंदू कतरे में नहीं है, इस देश का मुसलमान कतरे में नहीं है, सिख ईसाई कतरे में नहीं है, इस देश का बेरोजगार युवा कतरे में है, इस देश का किसान कतरे